बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को उनकी 100वीं जयंती से ठीक एक दिन पहले मंगलवार को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की गई। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी प्रेस रिलीज में ये जानकारी दी गई। इस घोषणा के बाद कर्पूरी ठाकुर के बेटे और राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, तरफ से मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूं और अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से और बिहार की 15 करोड़ जनता की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं। बहुत लंबे समय बाद जो है कई मांग चल रही थी, लेकिन जो है बीजेपी जब सत्ता में आई तब दिया गया, इसको राजनीतिक रूप से भी देखते हैं या क्या कहिएगा? मैं इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखता हूं। मैं देखता हूं जो मरने के 36 वर्षों के बाद जो उनका 100वां वर्ष कल होने वाला है, उस उपलक्ष में भारत सरकार कोई निर्णय लिए हैं कि 100वां वर्ष पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दी जाए। तो भारत सरकार को क्या कहना चाहते हैं? उन्हें बधाई देना चाहता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को सामाजिक न्याय का पुरोधा बताते हुए कहा कि ये निर्णय देशवासियों को गौरवान्वित करने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार ने सामाजिक न्याय के पुरोधा महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला लिया है। पीएम ने आगे लिखा कि पिछड़ों और वंचितों के उत्थान के लिए कर्पूरी ठाकुर की अटूट प्रतिबद्धता और दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी है। इस घोषणा के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वर्षों पुरानी उनकी मांग आज पूरी हो गई। नीतीश कुमार ने लिखा, पूर्व मुख्यमंत्री और महान समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाना हार्दिक प्रसन्नता का विषय है। केंद्र सरकार का यह अच्छा निर्णय है। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी 100वीं जयंती पर दिया जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान दलितों, वंचितों और उपेक्षित तबकों के बीच सकारात्मक भाव पैदा करेगा। हम हमेशा से ही स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग करते रहे हैं। वर्षों की पुरानी मांग आज पूरी हुई। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह में उन्होंने इसकी मांग रखी थी। तेजस्वी ने लिखा, बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर देश के किसी भी प्रधानमंत्री के बिहार विधानसभा में प्रथम आगमन को और अधिक यादगार बनाने की मांग रखी थी। उन्हें सम्मान दिए जाने पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार में हुई जातिगत जनगणना के बाद केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है, लेकिन डर ही सही, राजनीति को दलित बहुजन सरोकार पर आना ही होगा। लालू ने लिखा, मेरे राजनीतिक और वैचारिक गुरु स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न अब से बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। हमने सदन से सड़क तक ये आवाज उठाई, लेकिन केंद्र सरकार तब जागी जब सामाजिक सरोकार की मौजूदा बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना करवाई और आरक्षण का दायरा बहुजन हितार्थ बढ़ाया। डर ही सही, राजनीति को दलित बहुजन सरोकार पर आना ही होगा। कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में पिछड़ों की राजनीति बदली। पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए उन्होंने राज्य का उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत काम किया। उन्हें जननायक भी कहा जाता है। बिहार के पिछड़े हिस्सों में उन्होंने स्कूल खोले। उनकी सरकार में शिक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म किया गया ताकि समाज के पिछड़े वर्ग से आने वाला व्यक्ति भी भाषा की जानकारी के अभाव में शिक्षा से दूर न रहे।